कर हमें वैक्सीन देकर हमारे बॉडी के अंदर में कुछ क्षमता बढ़ाया जाएगा, लेकिन वायरस को भगाने में असफल रहा है। और हमारे दीपक जी के कथनानुसार दीपक दृश्य शक्ति अदृश्य ताकत जो दुश्मनी ताकत जो हमारे बीच में संक्रमक लेके आया हुआ उसको भगाने के लिए बड़ा बड़ा जो है से यहाँ पर यज्ञ किया जाता था, आज फिर तो भगाते थे। लेकिन मेडिकल साइंस आज इस बात को प्रयोग नहीं करने के कह गया, कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस की गहरी साजिश है और वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए 14 तारीख के शुभ दिन के अवसर पर और आशा करते हैं कि सावन जग से हमारे राज्य से कोरोना भागेगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार उर्फ दीपक साहनी ने अपने सिकंदरपुर कुंडल आवास पर कोरोना को भगाने के लिए हवन किया। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से देश में कोरोना के हालात हैं, यह साफ जाहिर करता है कि मेडिकल सिस्टम कोरोना के तीसरे वेरिएंट को हराने में पूरी तरह से असमर्थ है। उसी को देखते हुए इनकी पार्टी के प्रबंधक समिति के साथ लोग ने निर्णय लिया कि निर्णय पर एकमात्र उपाय यही रहा, भगवान का पूजा अर्चना कर हवन करें। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं वह पूजा अर्चना की जा रही है, जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। यह जो बीमारी है इसको भगाने का एकमात्र उपाय है कि हम लोग भगवान का पूजा अर्चना करें और हवन धूप अगरबत्ती लोहवान ये सब का प्रयोग करें, ताकि जब पुराने लोग कहते थे कि जब वातावरण में जब कोई अदृश्य वायरस जब भी आता था तो लोग अपने अपने घरों में हुमन धूप अगरबत्ती लोहवान ये सब का प्रयोग करके उसको भगाते थे। लेकिन मेडिकल साइंस आज इस बात को प्रयोग नहीं करने के कह गया, कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस की गहरी साजिश है और वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग कोरोना महामारी को अपने राज्य और देश से भगाने के लिए आज हम लोग ने एक हवन यज्ञ किया है 14 तारीख के शुभ दिन के अवसर पर और आशा करते हैं कि हवन यज्ञ से हमारे राज्य से कोरोना भागेगा और पुनः हमारे राज्य और देश के लोगों की सुख शांति वापस लौटेगी। यही मुख्य हमारा आज का कार्यक्रम है। जो यहाँ पर हो रहा है इस कहीं आज तक नहीं देखा गया, ये किस काम के लिए हो रहा है? ये एक ऐसा वायरस कोरोना, इसको भगाने के लिए ये यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। इससे आज तक जो भी हमारा मेडिसिन साइंस जो तीसरी लहर को फिर से आ चुका हुआ, हमें एंटीबायोटिक देकर हमें दवा देकर हमें वैक्सीन देकर हमारे बॉडी के अंदर में कुछ क्षमता बढ़ाया जाएगा, लेकिन वायरस को भगाने में असफल रहा है। और हमारे दीपक जी के कथनानुसार दीपक जी के कार्यकलाप के अनुसार से इस समाज के शुद्धि इस जगह की शुद्धि हर आदमी अपने आप में करेंगे। तो आपको याद होगा कि पुरातन में लोग जैसे बड़े बड़े ऑलरेडी पूजा अर्चना किया करते थे, इसीलिए कि समाज में जो अदृश्य शक्ति अदृश्य ताकत जो दुश्मनी ताकत जो हमारे बीच में संक्रमक लेके आया हुआ उसको भगाने के लिए बड़ा बड़ा जो है से यहाँ पर यज्ञ किया जाता था, आज फिर से उसी समाज की धर्म स्थापना के लिए हमारे बीच में दीपक भाई जैसे लोग आए हैं और शुरू किए हैं। और समाज को हम यही कहना चाहेंगे कि हर वर्ग हर जगह पर इस तरह की ऑलरेडी शुद्धिकरण शुरू होगा तो ही कोरोना भाग पाएगा, ना तो वरना कोरोना भगाना इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट हमारी फेलियर है, हमारा सिस्टम फेलियर है, हमारा मेडिसिन साइंस फेलियर है। क्या गया ये कोरोना भगाओ, जगह वातावरण शुद्ध हो अच्छा हो और किसी तरह कोरोना यहाँ से हट जाए, इसी के लिए पूजा अर्चना किया गया। कहाँ से उद्धरण इसका लिया गया है, किस पार्ट से? अब उतना तो न है जानकारी, लेकिन कोरोना हटाना है यही हम जानते हैं। भाग जाएगा इसे अब? भाग न जाएगा, लगभग अब लोग में जागरूकता होगा तो भागना ही है। जागरूकता के लिए किए थे कि कोरोना भगाने के लिए? भगाने के लिए। क्या नाम है आपका? सुजीत झा।